अनिल एंड कंपनी ना। यस सर। अरे हाँ सर, अगर सर क्वेश्चन में हमें ये दिया हो कि जो हम स्टोरेज में रखेंगे परसेंट, वो हाफ नहीं, वो 25% होगा या 75% होगा, तो हम दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर वो ईओ क्यू निकालने के लिए कह रहा है तो फिर हमें ईओ क्यू की अजम्पशन ही नहीं पड़ेगी। सर अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल लाइफ करना में इट हो कैन तो हैपन, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हो सकता है। ईओ क्यू जो बेस है वो कुछ सर्टेन एजम्पशन बेस है, तो अगर क्वेश्चन में ईओ क्यू पूछेगा तो हमें वही देना पड़ेगा, अदरवाइज कर सकते हैं हम, ओके सर। है ना। यस सर। अच्छा एक सेकंड बस। अब देखो इसमें ना क्या है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं स्क्रीन बड़ी करती हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है अनिल एंड कंपनी, इसमें वो कह रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 36,000 है, जो आज की डेट में छह इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, सिक्स इंस्टॉलमेंट्स में। एक मिनट बस, अब मैं पढ़ा लेता हूँ। अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 इन सिक्स इंस्टॉलमेंट, यानी आज की डेट में जो इसका ऑर्डर साइज है वो 6,000 यूनिट्स का ये ऑर्डर देता है आज की डेट में। बाई, आज की डेट में ऐसे बाई करते हैं। हर यूनिट का प्राइस है, परचेज प्राइस 1 रुपए, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। फाइंड आउट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी ईओक्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किसी को ईओक्यू पसंद नहीं आ रहा तो वो डेफिनेटली कुछ और भी वर्किंग में जा सकता है। तो यहाँ पर 6,000 यूनिट्स का आज की डेट में ऑर्डर देते हैं ये, 6,000 यूनिट्स का। तो इसके हिसाब से जरा अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, परचेज प्राइस क्या आएगा, पूरे साल में कितनी यूनिट खरीदेगा। 6,000 समझ में आया कैसे दे रहा है, 36,000 पूरे साल का है, बाइंग है, छह इंस्टॉल में खरीदता है, तो परचेज प्राइस तो पूरे 36,000 यूनिट का ही आएगा 1 रुपए के हिसाब से। ऑर्डर कितने करेगा ये, तो 6,000 छह छह ऑर्डर, छह ऑर्डर करेगा, छह ऑर्डर 25 रुपए के हिसाब से, 150 स्टोर कितना करेगा, 6,000 का आधा 3,000, 0.2, 20% किस पर लगाऊंगा ये 20%, वन रुपए परचेज प्राइस पर, दैट इज 0.2, 60 रुपए। आज की डेट में कॉस्ट आ रही है 36,000 रुपए, 600 आएगा, ठीक है, 36,750 रुपए, राइट। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, तुम लोगों का बहुत हल्का आ रहा है, शायद देवांश का बहुत हल्का आ रहा है, चलो मेरा तो सही आ रहा है ना। सर मैं बोल हल्के रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा तो 36,750 हमारा ये टोटल कॉस्ट। एक तो ये देखो, ये दोनों बराबर नहीं हुए, बराबर नहीं हुए इसका मतलब ये ईओक्यू नहीं है, नहीं है। अब 36,750 कॉस्ट आ रहा है, तुम्हें लगता है ये पॉलिसी सही है या ईओक्यू बेटर होगा? ईओक्यू बेटर होगा क्योंकि परचेज प्राइस में कोई डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा, तो इसी चीज को हम ईओक्यू से अगर निकालें तो हमने लगाया ईओक्यू का फॉर्मूला, दैट इज 2 × 36,000 × कितना था ऑर्डरिंग कॉस्ट, 25 अपॉन 0.2 का अंडर रूट। बताइए ईओ क्यू कितना आया, 3,000 0.2 अंडर रूट कितना आया, 3,000 3,000 यानी ईओ क्यू कहता है 3,000 यूनिट्स का होना चाहिए। अभी तक हम 6,000 यूनिट का ऑर्डर दे रहे थे, अब हम निकाल के देखते हैं परचेज प्राइस, तो इन एवरी केस इट वुड रिमेन सेम 36,000। क्या हुआ, एक सेकंड, ऑर्डरिंग कॉस्ट 3,000 करके ऑर्डर देंगे तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 12, यस सर, और 25 रुपए के हिसाब से 300। स्टोरेज कॉस्ट का टोटल क्या आएगा पहले ये बताओ, 300 ही आएगा, 3,000 का आधा 1,500 इंटू 0.2, टोटल कॉस्ट इज 36,600, हियर द कॉस्ट इज 36,750। तो हमने आपको कल भी बताया था कि अगर बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर इज ऑलवेज ईओक्यू, तो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कॉस्ट आ रही है 36,750 और
इसमें आएगी 36,600। कितना सेव हो गया हमारा? 150 रुपीज। तो यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी कितनी कॉस्ट सेव होगी। अब आप जरा देखिए 700। अब आप आंसर में अगर देखो तो टोटल इन्वेंटरी रिलेटेड कॉस्ट, क्योंकि परचेज प्राइस तो हर केस में सेम ही रहना है, इसलिए कई बार वो इग्नोर करके बोल देते हैं। तो ये है 750 और EOQ में इट वुड बिकम 600। तो व्हाट इज द सेविंग? दैट इज 150। गॉट इट? ओके, क्लियर हो गया? यस। ठीक है, नाउ अब मेरा जो आपसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि सपोज हमारा जो सप्लायर है वो सप्लायर हमारा सुधर गया है, वो कह रहा है सर मैं डिस्काउंट देनी मैंने स्टार्ट कर दी है, आई हैव स्टार्टेड गिविंग डिस्काउंट। अगर सप्लायर डिस्काउंट देना शुरू कर देगा तो भी आप ईओक्यू में रहेंगे या आप डिस्काउंट में रहेंगे या जज करेंगे, कंपैरिजन करेंगे? कंपेयर करेंगे। देखो अगर वो डिस्काउंट ही नहीं दे रहा तो ईओक्यू बेस्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 में उसने कोई डिस्काउंट की बात नहीं करी तो हमने कहा फिर 6 इंस्टॉलमेंट में बेकार है, मैं 12 इंस्टॉलमेंट में मंगाना चाहिए था। बट अगर सप्लायर कह रहा नहीं नहीं मैं सुधर गया हूं, मैं अब डिस्काउंट दे रहा हूं, तो डिस्काउंट दे रहा है तो इन दैट केस हमें देखना पड़ेगा कि डिस्काउंटिंग ऑफर बेटर है या हमारा ईओक्यू बेटर है। इसके लिए जैसे मैं आपसे अगर बोलूं, आप ना क्वेश्चन नंबर आओ बैक पेज पे, क्वेश्चन नंबर जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं इसमें आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 2.41 पेज नंबर 2.41 क्वेश्चन नंबर 3 लेट मी ओपन 2.41 को पहुंच गए। एक सेकेंड मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 3 दिस वन ये जी लिमिटेड दिख गया सबको? यस हेलो इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे समटाइम दिख जाएगा, अब बीच बीच में कर लीजिए। दिख गया ये क्वेश्चन नंबर 3? ठीक है अनमोल, ठीक है यहाँ पे सब दिख गया। ठीक है यहाँ पे अगर आप देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लो आप लोग इसे। जी लिमिटेड प्रोडक्ट्स अप प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड 4,000। पहली बात तो एक प्रोडक्शन करते हैं जिसकी डिमांड है 4,000 यूनिट्स मंथली, एनुअल डिमांड कितनी हो गई? 48,000। इसे यू मान सकते हैं? यस सर। नहीं, ये प्रोडक्शन है, जब यू हमेशा क्या होगा? कंजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, यू इज ऑलवेज कंजम्पशन, यू इज रॉ मटेरियल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूसेज इज रॉ मटेरियल। ओके सर, है ना? तो एक मिनट, ये क्यों नहीं जा रहा भाई? वन मिनट, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ जी, तो यू इज ऑलवेज कंजम्पशन, तो यहाँ पर दिया है मंथली डिमांड है यार किसकी? प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब एनुअल प्रोडक्शन कितना हो गया आपका? 48,000 यूनिट।
जबकि अगर EOQ मानेगा तो मुझे चाहिए एनुअल कंजम्पशन. प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा ये. ओके सर. तो कई बार एग्जाम में वो कहेगा कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी डिमांड 4000 यूनिट है. यानी मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ उसकी मार्केट में डिमांड 48000 यूनिट साल की है. प्रोडक्ट में कंपोनेंट लगता है जो जिसका प्राइस है 20 रुपए. ये कंपोनेंट एक्स उस प्रोडक्ट में मैं यूज करता हूँ और फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स इज रिक्वायर्ड. इसका मतलब 48000 यूनिट बनाता हूँ और इन 48000 यूनिट में मेरे को कितना कंजम्पशन होता है? 48000 एक्स का. इज माय यू. समटाइम वो ये कहता है कि एक यूनिट बनाने में 2 केजी का कंजम्पशन होता है तो हमें 96000 लेना पड़ेगा. तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो गड़बड़ होती है कि यू इज अ यूसेज. तो कई बार वो प्रोडक्शन दे देगा, आपको उसे यूसेज में कन्वर्ट करना होगा. तो अब हमारा शुरू से जी लिमिटेड एक प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है 4000 यूनिट मंथली. एनुअल हो गए 48000 यूनिट्स. हर एक यूनिट बनाने में एक कंपोनेंट लगता है, दैट इज यूसेज 48000 यूनिट. ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसकी 100. स्टोरेज कॉस्ट है 10%. किसका 10%? परचेज प्राइस का, दैट इज 2 रुपए. ये स्टोरेज कॉस्ट पर एनम है. अगर पर मंथ दी होगी तो एनम करनी पड़ेगी. अब वो कह रहा है पहले ईओक्यू निकालो. तो एक सबसे बात है ईओक्यू निकालो. तो ईओक्यू निकालेंगे आप, देखा जैसे 2 × 48000 × कितना था ऑर्डरिंग कॉस्ट 120. स्टोरेज कॉस्ट कितना है हमारा 2. इसका अंडर रूट. यूनिट यानी ऑर्डर अगर 48000 मंगाने तो 2400 करके मंगाने चाहिए. कॉस्ट कितनी आएगी इसकी? परचेज प्राइस क्या होगा? 48000 × 20 960000. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 20 ऑर्डर 120 रुपए के हिसाब से. स्टोरेज कॉस्ट कितनी होगी? 1200 × 2 2400 964800. ये तो रही ईओक्यू की बात. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर. अब यहाँ से मेरा पॉइंट समझना. जो सप्लायर है, सप्लायर सपोज कहते हैं आप सप्लायर के पास गए और आपने कहा भाई मैं 2400 यूनिट के हिसाब से ऑर्डर देना चाहता हूँ. सप्लायर बोला नहीं नहीं भाई साहब 4000 यूनिट के हिसाब से ऑर्डर दो, आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट. यानी आप तो ये सोच के गए थे कि वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो मुझे कितने यूनिट्स के हिसाब से ऑर्डर देना है 2400. सप्लायर कह रहा है मैं सुधर गया हूँ और अगर आप 4000 यूनिट के हिसाब से मुझे ऑर्डर दोगे तो आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट. अब बताइए आपको 2400 के हिसाब से ऑर्डर देना चाहिए 4000 या चेक करना चाहिए? चेक क्या करेंगे? अब आप कहेंगे ठीक है भाई परचेज प्राइस ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैं पूरे साल में कितने यूनिट खरीदूंगा 48000 × 20 रुपए की जगह 2% डिस्काउंट मिलेगी तो कितना हो जाएगा 19.4. 20 पे 2% डिस्काउंट 931200. ड्रिंक कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 12 सर 19.6 आ रहा है. सिक्स आएगा. चलिए ठीक है, यानी आप अटेंटिव हो रहे हैं. 48000 इंटू 19.6 बढ़िया बात है. 940800. ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 यूनिट से ऑर्डर कितने दूंगा? 12. एक ऑर्डर का प्राइस कितना है? 120. 1440. स्टोर कितना होगा? 2000 यूनिट इंटू स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 2 रुपीज. है, सही बात कह रहे हैं. स्टोरेज कॉस्ट है 10% ऑफ परचेज प्राइस. व्हेन परचेज प्राइस इज रिवाइज्ड स्टोरेज कॉस्ट इज आल्सो रिवाइज्ड. यस सर. तो 2000 × 1.96 3920. अब आपका खर्चा कितना होगा? 940800 + 1440 + 3920 यानी खर्चा होगा 946160. जबकि ईओक्यू मतलब 964800. तो आप बताइए ईओक्यू के साथ रहेंगे या डिस्काउंटिंग पॉलिसी पे जाएंगे?
डिस्काउंटिंग में जाएंगे, बट एवरी टाइम डिस्काउंटिंग हो सकता है सही भी हो ना भी हो. देखो ईओक्यू किस चीज को मिनिमाइज करता है, इन दोनों को, ऑर्डरिंग और स्टोरेज. इन दोनों का टोटल था 48. जैसे ही हम ईओक्यू से हटेंगे ये बढ़ जाएगा, 5360 हो गया. लेकिन हमें डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल गया, 960 का 940 800 हो गया परचेज प्राइस. तो 19200 का डिस्काउंट मिला और थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी, तो हमारे लिए फायदा है. बट समटाइम ऐसा होता है कि हमारा परचेज प्राइस में डिस्काउंट बहुत कम मिलता है और जबकि ऑर्डरिंग स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो नुकसान भी हो जाता है. तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो ईओक्यू इज द बेस्ट पॉलिसी, और अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है. ठीक है, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, ईओक्यू के टाइम में ये दोनों मिनिमम होते हैं 4800, जैसे ईओक्यू से हटेंगे ये बढ़ जाएगा, 5360 हो गया, 560 रुपए बढ़े. बट कंपैरिजन में 19200 की डिस्काउंट मिली, तो 560 रुपए खर्च करके अगर 19200 का डिस्काउंट मिल रहा है तो बेटर है, तो मुझे डिस्काउंटिंग में जाना चाहिए. बट समटाइम डिस्काउंटिंग हो सकता है अच्छा ना हो. अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. तो कह रहे हैं सबसे पहले तो ईओक्यू बताइए, हमने बता दिया ईओक्यू हमारा आ गया कितना अभी जो निकाला था, 964,800 आ गया था हमारा 2400 यूनिट. तो ईओक्यू इज 2400 यूनिट. अब वो कह रहा है अगर लॉट साइज 4000 यूनिट हो तो क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, यानी डिस्काउंट नहीं मिल रहा. अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो हमें 2400 यूनिट पे रहना चाहिए, ईओक्यू पे रहना चाहिए, या लॉट साइज चेंज करना चाहिए? डिस्काउंट नहीं मिल रहा अगर ईओक्यू पे रहना चाहिए, ईओक्यू से हटेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा. यस सर. कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा, परचेज प्राइस तो सेम रहेगा, स्टोरेज एक्स्ट्रा कॉस्ट बताइए. तो हमारी कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट. 4000 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 48000 के लिए 12. एक ऑर्डर का प्राइस कितना था, 120. स्टोर कितना होगा, 4000 का ऑर्डर देंगे तो 2000 इंटू 2 रुपए. देखिए मैंने आपको समझाया डिस्काउंटिंग होता है तब क्या होता है, अभी यहाँ डिस्काउंट हुई नहीं है इस क्वेश्चन में. डिस्काउंट नहीं हुई है तो परचेज प्राइस 20 है, 20 का 10% दो, 4000 रुपए खर्च हो रहे हैं. टोटल खर्चा हो रहा है 5440, और ईओक्यू में कितना खर्चा हो रहा था, इन दोनों का टोटल 4800. कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, 640. तो क्या आप ईओक्यू से हटना चाहेंगे या नहीं हटना चाहेंगे अगर डिस्काउंट नहीं मिल रही तो? नहीं हटना चाहेंगे सर. नहीं हटना चाहेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा होगा. ईओक्यू से आदमी कब हटता है, जब डिस्काउंट मिल रही हो. तो कह रहे हैं लॉट साइज अगर मैं 4000 यूनिट रखता हूं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या खर्च होगी, परचेज प्राइस मैंने नहीं लिया, दोनों केस में कॉमन है, 4800 मेरा यहां पे ऑर्डरिंग खर्च हो रहा था, ईओक्यू में ईओक्यू हटता हूं तो 5440 हो रहा है, हेंस माय एक्स्ट्रा कॉस्ट इज 640 रुपीस. कह रहे हैं मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी की क्या होगी, अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट किस समय होगी, ईओक्यू पे या अदर लेवल्स पे? ईओक्यू पे. और ईओक्यू पे कैरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, 2200. तो जरा सॉल्यूशन देखिए एक मिनट. ईओक्यू इज 2400 यूनिट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी की कितनी खर्च होगी, 540 रुपीज, 5440, और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा आएगा 640 रुपीज, और मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी आपकी, 2400 रुपए ईओक्यू लेवल पे. यस सर. कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ईओक्यू लेवल है, ईओक्यू बेटर कब होगा, जिस समय डिस्काउंट नहीं होगी, अगर डिस्काउंट होगी तो हो सकता है डिस्काउंटिंग ऑफर बेटर हो. तो हमने इस क्वेश्चन में आपको दो बातें समझाई कि अगर मान लो वो 4000 यूनिट पे डिस्काउंट दे रहा होता 2%, तो हम चले जाते डिस्काउंटिंग पे. लेकिन अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा तो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है 440 रुपीज. एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए जरा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ. सर हाँ सर, मैं आप लीव कर रहा हूँ. हाँ बोलो सर. रीवा बोल रही हूँ, लीव कर रहा हूँ.
हाँ अच्छा रीमा तुम तो लीव कर दो, तुम हो क्यों? हाँ बस मैं देख रही थी कि सारे स्टूडेंट्स हैं या नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर। हाँ जी क्वेरी पूछिए जरा। नो प्रॉब्लम, जिसने क्वेरी पूछनी है वीडियो कर लीजिए अपना ऑन। कोई क्वेरी नहीं है। एक क्वेश्चन जरा मेरे साथ आना। अच्छा अब जरा एक नोट्स बनाना है, लिखो जरा एक नोट। इफ एनी कंपोनेंट ऑफ ईओक्यू इज मिसिंग देन फॉलोइंग फॉर्मूला is used to calculate the missing component. EOQ के लिए तीन कंपोनेंट चाहिए, UPS, अगर उनमें से कोई मिस हो रहा है क्वेश्चन में तो एक फॉर्मूला लगाएंगे उससे वो मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट इक्वल्स टू 2 इंटू यू इंटू पी इंटू एस का अंडर रूट। अगर किसी क्वेश्चन में यूपीएस में से कुछ मिसिंग है और ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, मेरे को इसका डेरिवेशन बताने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जरा मेरे साथ आइए क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 2.27। क्वेश्चन 23 पेज नंबर 2.27। यस सर। आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं। एक सेकेंड। चलो मैं इस पे आ जाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी बड़ा डिफिकल्ट है मोबाइल्स और इससे पढ़ाना। चलो मैं क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन अब मैं पढ़ रहा हूँ। जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है एक स्पेशल प्रोडक्ट और ईओक्यू पॉलिसी को यूज करता है। इसकी कंपोनेंट की डिटेल है। परचेज प्राइस एक कंपोनेंट यूज करके करता है 200 रुपए उसका है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 रुपए। कैरिंग कॉस्ट है 10% ऑफ परचेज प्राइस और टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग 4000 रुपए। कंपनी को एक ऑफर मिला है कि 2% डिस्काउंट सप्लायर दे देगा अगर आप 2000 यूनिट के लॉट में उसे ऑर्डर देंगे। कह रहे पहले ईओक्यू बताओ। ईओक्यू बताने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? यू पी और एस। जरा देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100 रुपए। स्टोरेज कॉस्ट है 10% परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस 200 है उसका 10% 20 हो गया। एनुअल दिया हुआ है पर एनम हो गया। यू बताइए एनुअल यूसेज कितना है क्वेश्चन में पढ़ के given, कितनी क्वांटिटी है यूज करता है? इज इट गिवन और इज इट मिसिंग? मिसिंग इट इज मिसिंग। इफ इट इज मिसिंग तो ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट का टोटल दिया होगा That is 4000 रुपए। Yes sir। तो अगर कभी भी UPS में से कुछ मिस हो जाए तो हमेशा ये देगा ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट का टोटल। अब फॉर्मूला लगा लीजिए आप पहले UPS फाइंड आउट करने के लिए। टोटल ऑफ ऑर्डरिंग और स्टोरेज कॉस्ट यानी 4000 इक्वल्स टू 2 इंटू यू इंटू पी इंटू एस का अंडर रूट। यू मिसिंग है 100, 20 का अंडर रूट
अंडर रूट इधर गया तो 4000 इंटू 4000 हो गया इक्वल्स टू, ये भी 4000 इंटू यू हो गया तो यू इक्वल्स टू 4000। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, क्लियर है पॉइंट? यस सर। यू 4000 आ गया। अब कह रहा है ईओ क्यू निकालो, ईओ क्यू अब निकाल लोगे आप? कितना आया? आया भैया 200 यूनिट्स। यानी अगर पूरे साल में 4000 यूनिट है तो हमें कितने यूनिट्स मंगाने चाहिए? 200 यूनिट्स। इसमें क्या पूछा है? डिस्काउंट। अब 200 यूनिट पे जरा टोटल कॉस्ट निकालिए, परचेज प्राइस। कितने यूनिट खरीदने होंगे? 4000। किस प्राइस पर? 200 रुपए, 8 लाख। ऑर्डर कितने दोगे? 20, 100 रुपए से। स्टोर कितना करोगे? 1000, 20 रुपए से। 20 रुपए से नहीं, 100। हाँ 20 रुपए से। तो ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। दो सौ यूनिट के हिसाब से 4000 यूनिट्स का हम देंगे, 4000 इंटू 200, 8 लाख। 200-200 करके 20 ऑर्डर देंगे। एक ऑर्डर का प्राइस है 100 रुपए, 2000। स्टोर कितना करेंगे? 200 का आधा 100, 100 इंटू 20, 2000। टोटल खर्चा हो रहा है 8,04,000। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब सप्लायर क्या कह रहा है? कंपनी को ऑफर दिया गया कि आप 200 यूनिट करके ऑर्डर मत दो हमें। वैसे भी आप जब कुछ मूड बना के जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो कई बार सप्लायर आपको कहता है थोड़ा सा साइज, लॉट साइज बढ़ा लीजिए, यानी थोड़े यूनिट ज्यादा ले लीजिए, आई विल गिव यू डिस्काउंट। आप 200 यूनिट का ऑर्डर मन बना के गए, सप्लायर कह रहा है अगर आप 2000 यूनिट के हिसाब से मुझे ऑर्डर दोगे तो आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट। अब आप बताइए, आप ईओक्यू पे डटे रहेंगे या चेक करेंगे? मीटिंग चल रही है ना? रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है। yes, sir. दिख रहा है ना अभी सबको? चलो yes, फटाफट कंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर अगर 4000 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो अब परचेज प्राइस क्या बैठेगी? 2000 यूनिट के हिसाब से ऑर्डर दोगे तो परचेज प्राइस बैठेगा 4000 इंटू 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 200 पर 2% डिस्काउंट 4 रुपए, 196। 4000 इंटू 196, 7,84,000। ऑर्डर कितने दोगे? 2000 करके 2। एक ऑर्डर का प्राइस है 100 रुपए। स्टोर कितना करोगे? 2000 का जब ऑर्डर दोगे तो 1000। और स्टोरेज कॉस्ट कितनी लूं अब मैं? 10% of 196। यानी कैरिंग कॉस्ट 20 रुपए की 20 रुपए आपको माननी पड़ेगी। अगर ये लैंग्वेज ना लिखी हुई थी तो आप 196 का 10% कर। साफ साफ बोल दिया कैरिंग कॉस्ट डिस्काउंट की वजह से चेंज नहीं होगी। अगर ये पॉइंट नंबर बी में ये बात नहीं लिखते तो हम 19.6 लेते। यहाँ टोटल आ रहा है हमारा 8,04,200। जबकि ईओक्यू में कितना आ रहा था हमारा? 8,04,000। बताइए ईओक्यू पे रहें या सप्लायर का डिस्काउंटिंग पॉलिसी लें? ईओक्यू इज बेटर। थर्ड पॉइंट में वो क्या कह रहा है? सी पॉइंट में क्या आप एडवाइस करेंगे अगर 5% डिस्काउंट दे दे सप्लायर और बोले सिंगल ऑर्डर में सारा माल खरीद लो, सिंगल ऑर्डर में 4000 यूनिट खरीदने हैं, इसका मतलब 4000 यूनिट का ऑर्डर दो, परचेज प्राइस क्या होगा? अगर आप एक ही बार में माल खरीद लेते हो तो आई विल गिव यू 5% डिस्काउंट।
200 का 5% डिस्काउंट मिल जाएगा 190। ऑर्डर एक ही ऑर्डर में माल मंगा लूंगा मैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है। 100 रुपए स्टोरेज कॉस्ट 4000 का आधा वो चेंज होना नहीं है क्योंकि इन्होंने साफ बोल ही दिया, बी नंबर पॉइंट में बोल दिया, वही सब पे लगेगा 40,000। तो हमारा होगा 800,100 रुपए। अब आप बताइए अब ईओक्यू फॉलो करेंगे 2000 यूनिट या 4000 यूनिट, कौन सा ऑर्डर देना आपके लिए बेटर है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ईओक्यू हमेशा बेटर होता है, बट किस समय वो बेटर नहीं होता, जिस समय डिस्काउंट मिल रही है उस समय बेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरा होमवर्क नोट कर लीजिए, इस मीटिंग को एंड के 5 मिनट के लिए फिर दोबारा मिलेंगे, इसी मतलब एक मीटिंग का टाइम उन्होंने 40 मिनट दिया। आप एक तो क्वेश्चन नंबर 22, 23 अगेन, 19 मैं लिख दे रहा हूँ, 19, 20, 21, 22, 23 और जो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स थी, मिसलिनियस वाले में क्वेश्चन नंबर 4 मिसलिनियस वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 सीए इंटर में कई बार आ चुका है।